सेफ एंड डूइंग वेल। एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बोला था कि हम लोग जो है आज कहीं जा रहे हैं, सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं उस जगह। एक्चुअली हम जो है आज आए हैं एक लोकनाथ आश्रम जो कि कल्याणी में है। कल्याणी अगर आप लोग को पता होगा ये कोलकाता में ही नदिया जिला में आती है कल्याणी। वहाँ पर जो है एक लोकनाथ बाबा का आश्रम है, लोकनाथ ब्रह्मचारी आश्रम। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं, सो आज भी जो है हम यहीं पे आए हैं। और ये आश्रम है, यहाँ पे अनाथ बच्चों को भी रखा जाता है, यहाँ पे उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ बाबा का मंदिर है, आप यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं, आपको प्रसाद मिलेगा, भोग ग्रहण करिए। आप अगर आप कल्याणी के अगल बगल रहते हैं तो आप इस मंदिर में ज़रूर आइए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा जागृत मंदिर है बाबा लोकनाथ का। आप यहाँ पर जो भी मन्नत मांगेंगे फ्रेंड्स मांगेंगे वो आपकी ज़रूर पूरी होगी, आपकी विश। सो आप यहाँ पर ज़रूर आइए अगर आप कल्याणी के अगल बगल रहते हैं। आई होप यहाँ पर एक सती मंदिर है तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सती मंदिर आइए और वहाँ से जस्ट 2-5 मिनट की दूरी पर जो है ये बाबा लोकनाथ का आश्रम है। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको बता देंगे, जहाँ पर अनाथ बच्चों की भी सेवा की जाती है, बुज़ुर्गों को रखा जाता है, जो भी परिवार जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो असहाय हैं उनके लिए यहाँ पे आश्रम है, वो यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे जो है बाबा का मंदिर है, जहाँ पे हर प्रति सोमवार को जो है यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, बहुत अच्छे से भोग वगैरह सब कुछ बनते हैं। सो अभी आप देखेंगे कि हम लोग भी जो है उसको वितरण करेंगे प्रसाद को। सो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। बाबा जी जो है वो बहुत मानते हैं मेरे पापा को पर्सनली। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लोगों को हम लोग लेके आए हैं, उनका बहुत भला हुआ है और वो अभी भी यहाँ पे आते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं और अगर आप कल्याणी में रहते हैं तब तो आप ज़रूर आए होंगे, और अगर अभी तक आप नहीं आए हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए। और अगर आप कल्याणी में नहीं भी रहते, अगर आप कोलकाता से हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार इस मंदिर इस आश्रम में ज़रूर आइए और जितना हो सके आप यहाँ पे दान करिए अगर आपसे हो पाए तो। वरना यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आके दान करना पड़ेगा, बट अगर आप चाहें तो आप अनाथ बच्चों के लिए या गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा भी कर सकते हैं, जो कि उनके लिए हेल्प होगी, उनके भविष्य के लिए हेल्प होगी। सो अगर आप कोलकाता से हैं तो आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए, आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। अभी मैं अब आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। सो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, अगर आप लोग बंगाली नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे मानवतार लोकनाथ आश्रम, मतलब मानवता के लिए जो है ये लोकनाथ आश्रम है, असहाय गरीब लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब यहाँ आएँ। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। लोकनाथ बाबा की जय हो। सो फ्रेंड्स एज यू कैन सी हम जो है पूजा कर रहे हैं, एज यहाँ पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे अंदर में अलग अलग, माता रानी की, राधे कृष्ण पे, शिवलिंग, तो हम सबकी जगह जगह जाकर पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पापा हैं जो गाना गा रहे हैं। एक्चुअली ये जितने भी भक्त थे ये पूजा करने तो आए ही थे, एंड दे वे वेरी एक्साइटेड टू मीट माई फादर ऑल्सो, एज मेरे पापा जो है वो एक सिंगर हैं और ये लोग जो हैं इतने मन से उनका सॉन्ग ही सुन रहे हैं जो कि बाबा के लिए पापा गा रहे हैं। तो आप इंजॉय करिए।
फ्रेंड्स देखा आपने पूजा पाठ सब कुछ हो गई, अब जो है हमने भोग वितरण भी कर दिया। अब हम खुद जो है भोग खाने बैठे हैं और भोग में है खिचड़ी, सब्जी, खीर, चटनी, बहुत कुछ और बहुत टेस्टी था सब कुछ। ये बाबा का आशीर्वाद है जो हमें यहाँ इतना प्यार मिलता है। लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरे इस ब्लॉग को। हम लोग पूजा पाठ कर चुके हैं, अब यहाँ पे भोग वोग भी खा लिया हमने। अब जो है यहाँ से हम लोग निकलेंगे, बगल में सती माता का मंदिर है, वहाँ जाना है हमें तो। बट मैं इस ब्लॉग को जो है अभी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। सो अभी जो है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी सती माँ के मंदिर का। मैं पूरा सब कुछ व्यू आप लोगों को डिटेल में दिखाऊँगी, बट मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। एज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप कल्याणी से हैं या कोलकाता से भी है तो आप ज़रूर आएँ लोकनाथ बाबा के आश्रम में और माता सती के मंदिर। अगर आप कल्याणी आ रहे हैं और आप सती माता का मंदिर पूछेंगे तो यहाँ का बच्चा बच्चा सती माता का मंदिर जानता है। और सती माँ के मंदिर से सिर्फ 2-5 मिनट की दूरी पे है ये लोकनाथ आश्रम। सो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंजॉय किया। सो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड कीप सपोर्टिंग एंड लविंग अस। बाय बाय।